उत्तराखंड के चकराता में रविवार को एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां चकराता के भरमखत के बायला गांव से विकास नगर जा रही गाड़ी रविवार सुबह बायला पेंगुआ मार्ग पर गांव से आगे अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में जा गिरी। यह हादसा चकराता के सुदूरवर्ती इलाके त्विनी रोड पर सुबह करीब 10 बजे हुआ। चकराता क्षेत्र देहरादून जिले में पड़ता है। जानकारी के मुताबिक उक्त वाहन में 16 लोग सवार थे। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल बताए जाते हैं। 13 मृतकों के शव खाई से बाहर निकाल लिए गए हैं। SDM चकराता सौरभ असवाल ने बताया कि घटनास्थल के लिए चकराता और त्विनी तहसील से राजस्व टीम मौके पर पहुंची है। पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है। स्थानीय लोग भी राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। सूचना पाकर देहरादून के SDRF, जिला पुलिस और फायर ब्रिगेड के राहत बचाव दल मौके के लिए रवाना हुए। SP रूरल स्वतंत्र कुमार सिंह ने यह जानकारी साझा की।